कहती है, सोचिए जंगल के सेटअप में क्या होता है, एक जीब्रा उसे सेंस होता है कि टाइगर है आसपास, तो क्या हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दैट इज मेकिंग हिम मोर रेडी टू फाइट और फ्लाइट, भागने के लिए, राइट। वो अलर्ट है, उसकी आंखें ज्यादा देख पा रही, उसके कान ज्यादा सुन पा रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। बट इंसान ने क्या किया, वहीं का वहीं खड़ा रह गया। सो द थिंग इज कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि भाई भागो, लेकिन आप वहीं खड़े हैं ना, तो ब्लड प्रेशर इट बिकम्स अ परमानेंट कंपेनियन विद यू। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो एक आउटकम है, इस बात को समझना होगा। और अगर आप उस पर दवाई पे के साथ रहेंगे लगातार, डायबिटीज की दवा हो या ब्लड प्रेशर की दवा है, उनमें एक बात कॉमन है, इट डिस्टर्ब्स द बॉडीज एबिलिटी टू सेंस एंजियोजेनेसिस। तो बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा कैपिलरीज की जरूरत है, कहाँ पे कम कैपिलरीज की जरूरत है। दिस मीन्स यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, यू आर मोर प्रोन टू कैंसर ऑल्सो, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में बात होगी कि इफ इट इज सो, तो ये सारी दवाइयां दुमा अभी है क्यों। इसके जवाब के लिए टाइम कम है, इसलिए alltrials.net ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि दुनिया का टॉप 10 में जर्नल में आता है, 2016 से मुहिम शुरू किया एक एक दवाई को एक्सपोज करने का हर हफ्ते, कि जो झूठ बोल के दवाइयां मार्केट में आई या ड्राइव देके दवाइयों को रेगुलराइज किया एफडीए के थ्रू, वो सारी दवाइयों को हर हफ्ते एक दवाई को एक्सपोज कर रहे हैं, एक एक दवाई को। हो सकता है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गया हो बाई दिस टाइम, तो वो alltrials.net में जाके आप देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयां खाने के बावजूद भी जिंदा है। Try to understand this. So, देखिए, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, बोलने को ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं, तो होता है कि इनकी अलग अलग इलाज है। बट द ट्रूथ इज तीनों का एक ही कारण है, एंड कारण मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एंजियोजेनेटिक बैलेंस है वो बिगड़ गया है। जैसे ही वो बैलेंस आएगा तो तीनों बीमारियां एकदम से रिग्रेस करेंगी, एकदम से। कितने समय में? कुछ दिनों में, कुछ दिनों में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ट्रेनिंग का। हमारे बीच है डॉक्टर हरीश सतीजाई, इनका हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, यहीं पे, आप इसे पहले जानते भी होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा इंसान है जिनको हार्ट डिजीज भी है, था, कैंसर भी था, डायबिटीज भी था, तो आप सोचेंगे वो शायद नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर हरीश का। सर, आपके अनुसार इसी सही रहेगी, तो माइक आपको, आपको ये सुनना है, इससे आगे जुड़ेंगे। सबको नमस्कार। ऐसा है कि मुझे आज से 32-33 साल पहले डायबिटीज हो गई थी। तो 32 साल पहले मुझे डायबिटीज हो गई थी, तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो उस टाइम मैंने चेक किया तो मेरी 472 आई थी। तो उसके बाद से मैं, चलो जी, जब मैं मेडिसिन वगैरह खाई, एक्सरसाइज वगैरह करता रहता था, कोई काम नहीं होता था उसका। फिर उसके बाद आज से 1998 में मेरी बाइक, आवाज नहीं आ रही, हेलो, आ रही है। हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश शर्मा, मेरा यही अपना हॉस्पिटल है, सेक्टर 8-9-10 के चौक के ऊपर, डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल, 1983 से। तो मुझे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो उस टाइम वैसे ही बात कर रहे थे डॉक्टर घई साहब के पास, तो उन्हें कहा भी क्या बात है, तो बहुत मोटा हो गया है, 104 किलो वजन था उस टाइम मेरा। तो उसने मुझे ये कहा कि यार एक बार शुगर चेक कर लेते, तो मैंने वैसे पहले नहीं की थी, दो दिन फिर मैंने की तो मेरी 472 आई थी। तो कहता भी चल ठीक है, अपना मेडिसिन, तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन चलती रही और बढ़ती गई, कम नहीं हुई कभी मेडिसिन। फिर उसके बाद 1998 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई, 3-vessel डिजीज। 98 के बाद फिर 2008 में, 7-8 में मेरे को
कैंसर हो गया, तो तीनों डिजीज का मैं एक किस्म का बहुत मानवा राजा बन गया, ठीक हो गया कह दीजिए, सब बीमारियां मुझे आ गई। तो भट्ट ने चुटिए कि मेरी मेडिसिन भी और मेरे को इंसुलिन भी लगती थी 40 यूनिट्स रेजिडॉग, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, कई डॉक्टर बैठे होंगे वो जानते हैं चीज को। खैर खुद ना करके दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा यार ये कर ले, चलो भाई ठीक है, करते 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 शरीर का धीरे धीरे सत्यानाश हो गया। और टॉम पार्क में हम डेली सवेरे घूमने जाते हैं, यहाँ कई मेरे दोस्त आए भी हुए हैं जो मेरे साथ टॉम पार्क घूमते थे, तो कहते यार क्या बात है तुमको हो क्या गया। तो खैर कुछ डायबिटीज वाले पेशेंट जो होते हैं ना वो शर्माते भी हैं, यार मेरे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं शर्माता नहीं था, तो मैं तो सीधा कहता यार मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हार्ट डिजीज है, मेरे को कैंसर है। आपने पहले मैंने एक बार पहले मैं आया था तो सितंबर में, तो मेरी आवाज़ भी कुछ चली गई थी, तो मैंने इनको कहा था यार मैं जब यहाँ फरीदाबाद आता हूँ दिल्ली आता हूँ तो मेरी आवाज़ चली जाती है, तो इन्होंने मेरे को कहा अदरक ले लेना थोड़ी सी जूस ला, मेरी आवाज़ सी ठीक हो गई। चलो मैंने सारी बीमारियाँ देखी अच्छी तरह देखी और मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने क्या आयुर्वेदिक क्या होम्योपैथिक सब जगह बहुत जगह घूमा, जामनगर यहाँ वहाँ सब जगह जहाँ घूम सकता था घूमा, जिसने कहा यार यहाँ बांध ले वो बांध ले सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये आज उस टाइम तो मेरे को मिले नहीं थे, तो मैं पार्क में घूम रहा था सेक्टर 15 में, तो मिस्टर पंकज भार्गव, तो इन्होंने मेरे को कहा कि यार डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हैं तो तुम उनके पास चले जाओ। मैंने कहा यार एक बात बताओ आप, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, अपने को तो भैया ऐसे अच्छा तो मौत ही मिल जाए तो अच्छा है, कितना दुखी हो गया, कोई भी शुगर वाला होगा परेशान होगा। तो एनी हाउ इन्होंने मेरे को कहा, इन्होंने मेरे को बुक्स दी, मैंने रात को पढ़ी और मैं सवेरे फ़ोन किया तो इन्होंने मेरे को बुलवा लिया 3 दिन बाद। तो मैं 3 दिन बाद गया तो इन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये डाइट फॉलो करना, मैं अपनी बहू के साथ गया, जबकि मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा बेटा प्लास्टिक सर्जन है, मिसिज मेरी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं हम। लेकिन जब मैं उनके पास आया और उसके क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उनके साथ में कई जो टॉम पार्क ढूंढते थे यहाँ से लेके गुप्ता जी के पास तक गया, रुक जाता था कम से कम एक चक्कर में 20 जगह रुकता था। तो कहते क्या बात हो गई यार, मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज की डेट में जब मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरी बहू मेरे साथ गई थी, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट, वो कहती पापा मैं चलती हूँ साथ, मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो जब जाके मेरे को इन्होंने दिया कि ये डाइट प्लान है, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। घर आया तो किसी को बताया भी यार मेरा ये डाइट प्लान है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो कहती ठीक है। तो मेरा बेटा भी कहने लगा पापा करो। हैरानगी की बात तो मैं जा ही रहा था, 5, 6, 6 छठे दिन मैं कहीं रुका नहीं, मैंने कहा भाई मेडिसिन बंद कर देना, मैंने 3 दिन बाद ना छोड़ के 4 दिन बाद मेडिसिन बंद कर दी, मेडिसिन बंद की। फिर इनको मैंने कहा चल यार, लेकिन मैं डरा हुआ था, कोई भी होगा डरेगा, मैं भी डर रहा था। तो जब मैंने अपनी शुगर चेक की तो मेरी 198 आ गई, मैंने कहा यार 198 कैसे, मैंने कहा इतना फ्रूट खा रहा हूँ, 700 ग्राम फ्रूट खा रहा हूँ और ये तो मैंने फ्रूट कभी खाया ही नहीं, सिर्फ एक पपीता को छोड़ के मैंने कुछ नहीं खाया था। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो तो खा ही जाता फ्रूट, अपनी लाइफ में फ्रूट देखा नहीं था, और अब फ्रूट ही फ्रूट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ और ठीक हूँ एक्टिव हूँ। और आज की डेट में मैं 14.5-15 किलोमीटर पर डे सैर करता हूँ। कोई भी आ जाए एक बंदा के देख ले, 5,88,000 आज की डेट तक 1 महीने के अंदर मैं घूमूँ, तो उसकी जो मेरी एवरेज बैठी है 14.5 किलोमीटर बैठी है। और सांस कहीं नहीं चढ़ता, स्पीड से दौड़ता हूँ, सब कुछ एक्टिव हो गया हूँ, यंग हो गया हूँ, सब कुछ हो गया। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये था कि भाई अगर जिनको भी डायबिटीज़ है या इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, उसका डाइट प्लान वही है, उस डाइट प्लान के हिसाब से चलो खाओ, और कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन बाद आदत पड़ जाती है, और मेरे को लगता है कि जो पहले हम बदमाशियां करते थे खाने में उससे ये ज़्यादा बेटर है, मुझे तो ये याद अच्छी लग गई। तो कहने
आने का मेरा मतलब है, और मैं आज ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरा रिकॉर्ड, इन्होंने कहा कि भैया अपना रिकॉर्ड भेजो, तो मैंने यही के डॉक्टर्स का सब टेस्ट कराए। आपको मैं बताता हूँ गुप्ता जी कि यहाँ पे लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं, लैब के ऊपर क्या लिखा होता है मैंने नहीं पढ़ा था पहले कभी, खुद के डॉक्टर हो गए मैंने नहीं पढ़ा था। नीचे ACP गाइडलाइंस लिखी हुई है और ऊपर देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या 5.8, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जबकि होनी चाहिए 8.4 और 8 के बीच में। तो भैया आपके बीच में से मेरे ख्याल से 90% मैं कह दूंगा 8.4 तो किसी की चाह ही नहीं होगी, तो इसके मतलब शुगर है ही नहीं, या ये जिन्होंने बनाया है वो गलत है, या फिर ये जो किया इन्होंने, क्या किया मेरा ट्रीटमेंट, क्या किया, यही ट्रीटमेंट है जो मैं कर खा रहा हूँ। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, अब मैं अलीगढ़ से आया हूँ बेटे का वहाँ से, इन्होंने मेरे पास भी आएगा, मैंने कहा जरूर आऊँगा, हाँ तो जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरे फरीदाबाद के सारे यहाँ दोस्त होंगे और मेरे आए हुए हैं यहाँ, जब सारे हैं गुवाहाटी हैं, कोई बनवाल है, कोई कुछ है, कोई सब आए हुए हैं, और वो मेरे साथ घूमते थे और उनको मालूम है कि मैं कितना बीमार था, और आज की डेट में मेरे को जीरो, कोई इंसुलिन नहीं है, आज 1.5 साल हो गया मैंने इंसुलिन नहीं ली, मेडिसिन नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं, इवन एक स्प्रे भी नहीं ली। एक टेबलेट है ना जो हार्ट की चल रही थी, मेरे को 3 वेसल दी थी, दोबारा उन्होंने कह दिया कि आपके दोबारा ऑपरेशन होगा, लेकिन अगर ऑपरेशन होगा तो आपकी टेबल के ऊपर डेथ हो जाएगी, कुछ ऐसी जगह अब कुछ भी नहीं है। तो वही डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं मेरे को, अमित गुप्ता है अपोलो हॉस्पिटल, वो कहते हैं तेरी कैसे ठीक हो गया, मैंने कहा आ जाते इनको भी ले चलते। तो अगर किसी को मजाक लग रही है मेरा फोन नंबर ले लेना, मैं देता हूँ और मैं आपको चले जा। हाँ ये नहीं है कि यार 4 दिन ना मेरे घर में शादी है, मेरे इसकी यहाँ शादी है, 4 दिन बाद शुरू करूंगा फिर हो गए ठीक। तो कई ऐसे हैं मेरे यार दोस्त, मेरे कहते थे यार कैसे ठीक हुआ, मैंने कहा ऐसे ठीक हुआ, अच्छा ठीक है मैं शुरू करूंगा, कब शुरू करेगा, अरे मैं थोड़ा खाना खाऊंगा, खाना तुमने खाना है, तो ये बैठा हुआ सामने, पता क्या कहते यार मेरी यहाँ शादी है, शादी निबट जाएगी ना उसके बाद करूंगा, तो वो नहीं कर सकता। अगर तुझे करना है तो मेरी तरह आओ, मैं ठीक हुआ हूं, और मेरे हाल से मेरे पापा को तो सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर नंदलाल शर्मा बच्चों के डॉक्टर, फरीदाबाद को बच्चा बच्चा जानता हूं उनको, नाम का लड़का हूं, और इतनी गलती बीमारी से निकल के सामने बैठा हूं, मेरी रेडिएशन हो चुकी है, मेरी सारा गला ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम, और मेरी एज कितनी हो गई है 64 कंप्लीट, 65 में एक जगह और कहूँगा, मैंने पीछे भी एक बार कहा था, जिसको भी मिलता हूँ उसको कहता हूँ यार तेरी बीवी है ना, और अगर लेडीज को है तो यार तू है ना, तो यार एक दूसरे का साथ दो, खाने पीने का ध्यान रखो और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, जैसे मेरी मिसी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकर रात तक मेरी हर चीज का मेरा ध्यान रखना, तो सब चीजों का ध्यान रखने के बाद मैं ठीक कर दिया, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मैं ओपन चैलेंज से कहता हूँ कि कोई कहता ना कि यार ये टीम की चीज ठीक नहीं हो सकती, मेरे पास आ जाओ मैं लिख के देता हूँ, मैं इनके यहाँ मेरे ऑफिस में बैठ जाता हूँ और इनके साथ बैठ के आपको कहता हूँ कि यार आ जाओ, जैसे कहते हैं नीटिंग में मैं ठीक हो गया, जाओ देखो रिपोर्ट। डॉक्टर PC गुप्ता बहुत मशहूर है फरीदाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, किडनी मेरी 78-79% किडनी मेरी खराब हो चुकी थी डायबिटीज की वजह से, और अब जब मेरे टेस्ट हुए तो बिल्कुल ठीक आ गई, बिल्कुल 33 आई है और बिल्कुल नॉर्मल किडनी मेरी थोड़ा काम करने लगी, पैनक्रियास काम करने लगा, कैंसर कहाँ गया यार, लोग तो कहते हैं 1 साल में मर गया, 2 साल में मर गया, 6 महीने मर गया, 13 साल में तो नहीं मरा यार, मैं सामने बैठा हूँ यार, किसी को कुछ कहना तो आप मेरे सामने यहाँ आ जाओ, मैं डिबेट करता हूँ, कोई मेरे को चैलेंज देना चाहता आ जाए। हाँ ये है कि अगर इन्होंने मेरे को कहा ना कि 15 दिन बाद चीटिंग कर सकते हो, मैं चीटिंग में भी चीटिंग नहीं करता, टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ करना आराम से, और सैर भी करना, खाने पीने का ध्यान रखना, और मैं भी कुटी गाऊँ, मेरी मेडिसिन बंद हुए 1.5 साल हो गया, और उसके बीच में जिसने मुझे भेजा पंकज भार्गव ने उसका धन्यवाद, और मैं तो ये कहता हूँ कि यार इसको तो डॉक्टर बन जाना चाहिए 40 साल पहले, जैसे ये 60-70 साल के ना, तो 30 साल से है तो 40 साल पहले आ जाते, तो ये 40
आज मैं कह सकता हूँ, आप अभी नहीं कहोगे, जब ठीक हो जाओगे तो आप यही मानोगे बातों को। मेरे को आज इस बात के प्राउड है कि यार ये विष्णु रूप राय चौधरी कोई चीज है, 100% है। आज से 1.5 साल पहले यहाँ कौन बैठे हैं, वो हमारे भाई साहब है, ये दीपक वाले, दीपक स्टूडियो वाले, रोज इनके सामने मैं केमिस्ट की दुकान पे खड़ा होता था, इंसुलिन ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, केमिस्ट शॉप है सामने 15 सेक्टर मार्केट में, ये सामने क्यों बैठे हुए, ये देखो हाथ खड़े करके कहते आते हुए दवाइयाँ खाते हैं, और मैं खा रहा था 1.5 साल पहले, अब तो मैं वहाँ गए भी आराम आराम कर दूँ तो ऐसे करके चल पड़ता हूँ आगे और फिट हो गया। अब मैं अलीगढ़ से आया हूँ, बेटे के पास चला गया हूँ, तो बेटा मेरा वहाँ है तो मैं अलीगढ़ से ऐसे गाड़ी चला के आऊँ जैसे गाड़ी पता ही नहीं कब पहुँच गया यहाँ पे, थकावट ही नहीं है कोई, तो ठीक हो गया मैं इसका मतलब। तो मेरा क्या नहीं बोला, हाथ जोड़ के कहूँगा, कुछ मेरे से बड़े हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई छोटे हैं तो उनके प्यार से कह रहा हूँ कि भाई थोड़े परहेज रख लो, शादी ब्याह तो होते रहेंगे लोगों की, तुम ठीक हो गए तभी आगे और शादी भी देख लेना। इस चीज़ के बीच में बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि भाई जो चीज़ें यह है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, और मैं पढ़ लिख के बेवकूफ़ बन चुका हूँ। आप लोग बेवकूफ़ मत बनो, कोई बीमारी नहीं है शुगर, कुछ भी नहीं। कोई कहता ना मैं यार बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं कहता हूँ यही डाइट कर लो ऐसे खा देते हैं, कुछ हुआ ही नहीं था तुम्हारे को, यूँ हो जाओ बिल्कुल स्मार्ट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपना ध्यान रखो, और थैंक्स टू, पहले मैं इनका दोबारा से कर देता हूँ कि भैया आज तो छोड़ा हो गया कैसे, तो यार डॉक्टर विष्णु राव चौधरी तू भी कोई चीज़ है, पंजाबी पंजाबी कहने कोई चीज़ है, बाकी है क्या कोई चीज़, बाकी से कोई चीज़ है, फैक्ट है। और मैं इतने लोगों की चीज़ है झूठ के तो बोलना, मैं सामने खड़ा आ जाओ जैसे मैंने कहना है जो कुछ कहना आ जाए, कहते कि हाँ यार तू गलत कह रहे हैं, ठीक है ना चले, सारी रिपोर्टें देख लो, इतने ही हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, इतने सब डॉक्टर की रिपोर्ट है, सब बाहर आ चुकी है और कोई हार्ट डिजीज नहीं रही, ठीक है, बस इतना ही कहना, अपना ध्यान रखो, खाओ पियो। क्वेश्चन आंसर राउंड में, अच्छा अच्छा आप नंबर देंगे, नंबर दे दीजिए, 9811036142 आप जो चीज आप ये देखना चाहते हो कि हाँ भाई मैं इतनी शेयर कर सकता हूँ, अरे यार बजाए यार अच्छी तरह बजा ले, क्यों झूठ बोलू जब मैं खड़ा हूँ सामने। अब इन्होंने जो किया, देखिए कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, स्ट्रोक है, किसी स्ट्रोक ऑलरेडी आ गया स्ट्रोक, अब पैरालाइज्ड है, तो दिमाग में कि अब तो जिंदगी भर पैरालाइज्ड ही रहना है, जबकि ट्रुथ है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स में, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्ट्रोक पेशेंट है तो अगर बताएंगे उनको सो ही कैन रिकवर, इट मे टेक अबाउट 6 months, 9 months टाइम, बट ही कैन रिकवर, राइट। सो सीधे हम जर्नी शुरू करते हैं, देखिए 10 साल